पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। फरुखाबाद से बड़ी खबर है, मरीजों को एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है। ठेले पर लिटाकर अस्पताल ले जा रहे हैं परिजन, कई बार फोन करने पर भी एम्बुलेंस नहीं उपलब्ध हो पा रही है। ठेले पर मरीज को ले जाते वीडियो वायरल हुआ है। शहर कोतवाली क्षेत्र के कादरी गेट का यह मामला बताया जा रहा है। फरुखाबाद में अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। परिजनों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल पा रहा है। परिजनों की शिकायत की, कई बार फोन करने के बावजूद भी उनको एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है, जिसके बाद अगर परिजन गंभीर रूप से बीमार होते हैं तो उनको ठेले के सारे अस्पताल तक ले जाना पड़ रहा है। वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें परिजन अपने पीड़ित को अस्पताल ठेले पर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठेले पर लिटाकर अस्पताल ले जाते परिजन, कई बार फोन करने पर भी एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है। ठेले पर मरीज को ले जाते वे वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब काफी तेजी से वायरल हो रहा है। तो बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की फरुखाबाद में देखने को मिली है। तो एक तक कोरोना का संकट जहां पूरे देश भर में चल रहा है, प्रदेश के अलग अलग जिलों में कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने लगातार आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो स्वास्थ्य विभाग के दावे किए जाते हैं कि अस्पताल के पास पूरी व्यवस्था है, कोरोना के पेशेंट या फिर अन्य जो मरीज हैं उनको भर्ती करने के लिए पूरी व्यवस्था है, लेकिन सारे दावों की पोल खुलती हुई तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जहां पर मरीज को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस नहीं उपलब्ध हो पा रही है, जिसके बाद परिजन अपने पेशेंट को ठेले पर लेटाकर अस्पताल तक पहुंचा रहे हैं। के लिए वो एम्बुलेंस उन लोगों को नहीं मिल पा रही। हालांकि जो अस्पताल प्रशासन है जिले के, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दावे बहुत सारे किए जा रहे हैं कि चाहे कोरोना का पेशेंट हो या फिर अन्य मरीज, सबके लिए उचित व्यवस्था अस्पताल में है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई फरुखाबाद से वो सारे दावों की पोल खोल रहे हैं। और फरुखाबाद से हमारे संवाददाता दिलीप कटियार हमारे साथ जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ में। दिलीप, जो फरुखाबाद हो या फिर अन्य कोई जिला हो, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं कि अगर जो पेशेंट हैं कोरोना के पेशेंट हो, लगातार जिस तरह से संख्या बढ़ रही है उसको देखते हुए, और जो अन्य मरीज भी हैं जिन जो अस्पताल में भर्ती है उनका भी इलाज चल रहा है, दावे बहुत सारे किए जा रहे हैं कि पूरी व्यवस्था है, मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था है, भर्ती करने के लिए बेडों की व्यवस्था, लेकिन सारे दावों की पोल खुलती भी दिखाई दे रही फरुखाबाद में जो वीडियो वायरल हुआ है। सरकारी अस्पताल की और एम्बुलेंस की पोल खुल रही है। कादरी गेट पे एक लड़की जो है 16 साल की पूजा, उसकी अचानक तबीयत खराब हो जाती है, जिसके बाद जो परिजन जो है उसका एम्बुलेंस के लिए फोन करते हैं, लेकिन एम्बुलेंस ना पहुंचकर उसकी ज्यादा खराब होने के बाद वो ठेली मिला लोहिया हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ मरीज को प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाते हैं। दिलीप, अभी तक किसी स्वास्थ्य अधिकारी की तरफ से इस मामले में कुछ भी कहा गया है? स्वास्थ्य विभाग से जब अपनी इस बात में सीएमओ से बात की गई है तो उन्होंने देखा कि हमें यह जानकारी नहीं है, जांच में कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई करके आश्वासन देकर मामला जो है रफा दफा कर दिया जाता है। जी दिलीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।